केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे। अपने दो दिवसीय दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह इस बार विजयदशमी का त्यौहार उत्तराखंड में सैनिकों के बीच मनाएंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 4:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उन्हें रिसीव करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट करेंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में मौजूद रक्षा मंत्रालय के निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून गढ़ी कैंट में मौजूद आर्मी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 5 अक्टूबर को सुबह राजनाथ सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड में चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। वहां से लौटने के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वे दिल्ली वापस रवाना होंगे। बताया जा रहा है देहरादून आर्मी एरिया में सेना के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने के लिए देहरादून आ रहे हैं। इस दौरान उनकी पब्लिक मीटिंग और पार्टी पदाधिकारियों से बैठक प्रस्तावित नहीं है। इसके बावजूद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब एयरपोर्ट पर प्रदेश के पदाधिकारी से बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर से प्रदेश में चल रहे घटनाक्रम पर चर्चा हो सकती है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।